हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं शेज़वान पास्ता। शेज़वान पास्ता बनाने के लिए हमने पैन को गरम कर लिया है। उसमें हम लेंगे 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल ना हो तो आप नॉर्मल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून गार्लिक। गार्लिक का रॉ फ्लेवर निकल जाए और थोड़ा वो गोल्डन हो जाए तब तक उसको सौते कर लेंगे अच्छे से। अब हम डालेंगे 1/2 कप स्प्रिंग ऑनियन का वाइट पार्ट। अगर आपके पास स्प्रिंग ऑनियन ना हो तो आप रेगुलर रेड ऑनियंस भी डाल सकते हैं चॉप करके। अब हम डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट। सॉल्ट ऑनियन को जल्दी से कुक कर देगा और थोड़ा सॉफ्ट कर देगा। नेक्स्ट हम डालेंगे 1/2 स्लाइस कैप्सिकम। आपको जो कलर की पसंद हो वो आप डाल सकते हैं। 1 मिनट के लिए कैप्सिकम को सौते कर लेंगे। अब हम डालेंगे 1 टीस्पून सोया सॉस। अच्छे से स्टर कर देंगे सब कुछ। अभी हम डालेंगे 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। टू टेबल स्पून मैंने लिया है शेज़वान सॉस। ये रेडीमेड शेज़वान सॉस है, आप चाहिए तो आप घर पे भी बना सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे सबको मीडियम हीट पे। इस स्टेज पे आप पानी भी डाल सकते हैं, थोड़ा सॉसी कंसिस्टेंसी आएगा। 1 टेबल स्पून हमने केचप यूज़ किया है। ये नॉर्मल केचप है, वो स्वीट एंड सार केचप नहीं है। 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे मोज़रेला चीज़ यूज़ किया है। आप दोनों भी डाल सकते हैं, प्रोसेस्ड और मोज़रेला चीज़। अच्छे से मिक्स कर लेंगे सबको। दो टेबलस्पून पानी लिया है मैंने, थोड़ा मुझे सॉसी कंसिस्टेंसी चाहिए था इसलिए। मैंने 1 कप बॉइल्ड पास्ता और 1/2 कप बॉइल्ड कॉर्न यूज़ किया है। अभी हम इसमें मिक्स कर देंगे। पास्ता के पैकेट के पीछे इंस्ट्रक्शंस लिखा होता है, आप उसको फॉलो कीजिए और वैसे ही पास्ता बॉइल कीजिए।
अच्छे से सबको मिक्स कर देंगे। हमारा सॉस सब पे अच्छे से लग जाना चाहिए। हमारा शेजवान पास्ता अब रेडी हो चुका है। अब हम इसे सर्विंग डिश में निकाल लेंगे और स्प्रिंग ऑनियन के ग्रीन्स और थोड़े मोज़रेला चीज़ के साथ इसको गार्निश कर देंगे। मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अब हम मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।